नमस्ते, आई एम जेवियन स्वर्णिमा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द रन ऑफ. सो व्हाट इज रन ऑफ? स्ट्रीम फ्लो रिप्रेजेंटिंग द रन ऑफ फेज ऑफ हाइड्रोलॉजिक साइकिल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिक डेटा ऑफ हाइड्रोलॉजिक स्टडीज. अ स्ट्रीम कैन बी डिफाइंड एज अ फ्लो चैनल इन टू द विच द सर्फेस रन ऑफ फ्रॉम अ स्पेसिफाइड बेसिन ड्रेन्स. रन ऑफ इज जनरेटेड बाई रेन स्ट्रॉम. इट अकरेंस द क्वान्टिटी आर डिपेंडेंट ऑन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेनफॉल, दैट इज इंटेंसिटी, ड्यूरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. सो बेसिकली रन ऑफ क्या है, अगर मैं लैंग्वेज नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूं तो, जो भी मेरा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में प्रेसिपिटेशन हुआ, उससे जो प्रेसिपिटेशन हुआ, ठीक है, तो उस प्रेसिपिटेशन से मेरे जो सरफेस पे या फिर सब सरफेस पे या फिर बेस में जो भी वाटर का फ्लो हो रहा है, ठीक है, उसको हमने क्या नाम दिया? उसको हमने रन ऑफ नाम दिया. ठीक है, एक स्ट्रीम को भी मैं क्या कर सकती हूँ? रन ऑफ कह सकती, सरफेस रन ऑफ में काउंट कर सकती हूँ एज अ फ्लो चैनल. ठीक है, जिसमें क्या है, जो एक पर्टिकुलर किसी भी एक स्पेसिफाइड बेसिंग ड्रेन में जा रहा है फ्लो होकर, तो वो चीज मेरा क्या है? रन ऑफ है. ठीक है, अब रन ऑफ की क्वांटिटी डिपेंड करती है कि उस पर्टिकुलर एरिया में जहां पर भी हम ये रन ऑफ देख रहे हैं वहां पे रेनफॉल कैसा हुआ, उस रेनफॉल की इंटेंसिटी क्या थी, उस रेनफॉल का ड्यूरेशन क्या था और डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था, उस पर डिपेंड करता है कि मेरा जो रन ऑफ है वो किस टाइप का होगा, किस क्वांटिटी का होगा. ठीक है, तो ये था मेरा रन ऑफ की रन ऑफ एक्चुअली होता क्या है. ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करती हूँ कि अगर जो भी रन ऑफ है वो क्या है, हम उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक वो पर्टिकुलर पोर्शन प्रेसिपिटेशन का जो कि कहाँ मूव कर रहा है, किसी भी रिवर में या ओशंस में, ठीक है, चाहे वो सरफेस फ्लो के टाइप में मूव करे, चाहे वो सब सरफेस फ्लो के टाइप में मूव करे, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है, तो उसको हमने क्या नाम दिया? रन ऑफ का नाम दिया. बेसिकली जो भी वॉटर हमारा मूव कर रहा है कहाँ जाने के लिए, किसी भी एक पर्टिकुलर रिवर या ओशियंस में जाने में, मतलब कोई भी एक वाटर सोर्स में जाने के में, है ना, तो हमने उसको क्या नाम दे दिया कि रन ऑफ है वो. ठीक है, अब सरफेस रन ऑफ या तो रेनफॉल से होगा, जैसे प्रेसिपिटेशन के कितने टाइप्स बताए थे, मतलब कितने टाइप से हो सकता है, रेनफॉल के रूप में, स्नो के रूप में, है ना, ऐसे ही बहुत सारे टाइप्स थे, तो उसी तरह इसके भी क्या है, सरफेस रन ऑफ सिर्फ और सिर्फ प्रेसिप प्रेसिपिटेशन पर डिपेंड नहीं करता. सरफेस रन ऑफ जो है आपका प्रेसिपिटेशन, जैसे कि रेनफॉल, ठीक है, स्नोफॉल, इन दोनों पर तो डिपेंड करता ही है, साथ के साथ कि जो हमारी स्नो हुई उसका जो मेल्टिंग हुई, उस मेल्टिंग से भी तो हमारा सरफेस रन ऑफ काउंट होता है. ठीक है, या फिर ग्लेशियर्स की अगर मैं बात करूँ तो ग्लेशियर की जो मेल्टिंग होती है तो उससे भी हमारा जो वाटर फ्लो हो रहा है उसको भी हमने क्या नाम दिया? सरफेस रन ऑफ नाम दिया. ठीक है, रन ऑफ जो होता है, जो भी रेनफॉल हो रहा है या जो भी इरीगेशन हो रहा है वाटर का, ठीक है, तो वो कब तक फील्ड में रहेगा, कब तक सरफेस पे रहेगा और उसके बाद कब वो फ्लो होना चालू कर देगा, उस पर डिपेंड करता है. दैट मींस कि उसकी इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी कैसी है, ठीक है, उस सॉइल की, उसके बाद उसमें कितना वाटर बच रहा है, कितना कितना और एक्सेस है वाटर का, उस पर डिपेंड करता है कि मेरा जो रन ऑफ है वो किस टाइप का होगा, सरफेस होगा या फिर सब सरफेस होगा, किस टाइप का होगा वो डिपेंड करेगा. ठीक है, अगर मैं रेनफॉल इंटेंसिटी की बात करूं तो जैसे ही वो सॉइल सरफेस पे आएगी, अगर जैसे मैंने कहा कि इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी की क्या हुई, कम हुई, तो क्या होगा, सारा का सारा वाटर अब्सॉर्ब हो जाएगा. यही मैंने पिछले सेशन में कहा था कि अगर मेरा इन्फिल्ट्रेशन ग्रेट क्या है, कैपेसिटी क्या है, कहाँ की बात कर रही हूँ मैं, किसी ड्राई सॉइल की बात कर रही हूँ, अगर मेरे किसी ड्राई सॉइल में क्या है रेनफॉल हो रहा है, ठीक है, तो वहां पर इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी. अगर इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी मेरी ज्यादा है तो मेरा
जितना भी वाटर है वो क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो और अगर मेरा रेनफॉल ही कम हुआ अकॉर्डिंग टू द इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी, तो भी मेरा सारा वाटर क्या हो जाएगा, अब्सॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि जितनी सॉइल को नीड थी सॉइल उतना तो अब्सॉर्ब करेगी ही। जब वो सैचुरेटेड कंडीशन में आ जाएगी तभी उसके ऊपर से क्या होगा, रन ऑफ हो पाएगा वाटर का। अदरवाइज जितना भी वो वाटर रेनफॉल एज अ रेनफॉल जो आया है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, बाय सॉइल क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। अगर मैं बात करूं कि अगर ऐसा कंडीशन आ जाए कि चलो बारिश हो रही थी, स्टार्टिंग का पानी रन ऑफ नहीं हो पाया क्योंकि जो सॉइल थी उसको क्या थी, नीड थी उतने वाटर की, तो उसने वो क्या कर लिया, अब्सॉर्ब कर लिया। अब क्या हो गया, सॉइल धीरे धीरे, रेनफॉल स्टिल चल रहा है, कंटिन्यू है, और अब क्या हुआ, सडनली सॉइल मेरी क्या हो गई, सैचुरेटेड हो गई, ठीक है। यानी कि अब क्या हुआ, उसकी जो इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी थी वो क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। जैसे ही रिड्यूस हो गई तो अब पानी जो था वो क्या है, वो कहाँ मूव होने लगेगा, आगे अगर कोई डिप्रेशन है यानी खड्डे हैं या फिर कोई भी ऐसी चीज है तो वहां पे वो थोड़ा थोड़ा फिल होने लगे। जब वो भी फिल हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, ओवरलैंड पर फ्लो होने लग जाएगा, यानी कि रन ऑफ स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं इसको नॉर्मल एग्जाम्पल से समझूं तो कोई एक मेरे मिट्टी का, मैं एक मिट्टी में नहीं, एक खड्डा मैंने बनाया, ठीक है, एक डिप्रेशन जिसे कहते हैं, खड्डा मैंने एक बनाया, उसमें क्या हो रहा है, पानी आ रहा है। जैसे ही वो खड्डा फिल हो गया तो पानी मेरा आगे रन आगे मूव करने लगा, ठीक है। तो वही चीज क्या है, मेरी सॉइल है, सॉइल में क्या है, पोर्स हैं, पोर्स हैं, क्रैक्स भी हो सकते हैं, अगर ज्यादा ही ड्राई हो गई है तो क्रैक्स भी हो सकते हैं, ठीक है। वॉइड्स मेरे बहुत सारे हैं, तो उन सब में क्या होगा, वाटर आया तो वो सारे पहले फिल होंगे, वो सब क्या होंगे, फिल होंगे। जब वो फिल हो जाएंगे तब क्या हो जाएगा, अब ठीक है, अब इसमें फिल होने का स्पेस नहीं बचा, वाटर मॉइस्ट हो, सॉरी सॉइल मॉइस्ट हो गई है, सैचुरेटेड हो गई है, तो अब क्या होगा, जो भी वाटर आ रहा है वो आगे मूव करेगा, आगे कोई एक और खड्डा मिल गया तो वो उसमें पहले फिल होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, और आगे के मूव होएगा। तो ये जो मूविंग का काम हो रहा है ये क्या हो रहा है, इसे हम क्या कह रहे हैं, रन ऑफ कह रहे हैं। अगर कोई एक मेरी बकेट है जिसको मैंने टैप नल के नीचे लगा रखा है, ठीक है, तो वो फिल करने के लिए लगा रखा है, ठीक है। अब वो फिल हो गई, जैसे ही वो फिल हो गई तो कोई स्पेस ही नहीं बचा जहाँ पे पानी फिल हो, तो अब क्या हुआ, पानी बहने लगता है, तो वो जो पानी बह रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, रन ऑफ कहते हैं, ठीक है। सरफेस डिटेंशन या डिटेंशन स्टोरेज क्या होता है कि वो अमाउंट ऑफ वाटर जो कि लैंड सरफेस से ट्रांसफर हो रहा है कहाँ पर, स्ट्रीम चैनल्स पे, उसको हमने क्या कहा, डिटेंशन स्टोरेज या फिर सरफेस डिटेंशन का नाम दिया, ठीक है। टाइप्स ऑफ रन ऑफ कैसे होते हैं, तीन टाइप्स के होते हैं, सरफेस रन ऑफ, सब सरफेस रन ऑफ एंड बेस फ्लो। क्या होता है सरफेस रन ऑफ, द पोर्शन ऑफ रेनफॉल विच एंटर्स द स्ट्रीम इमीडिएटली आफ्टर द रेनफॉल, ठीक है। अगर मैं कह रही हूँ इमीडिएटली आफ्टर द रेनफॉल, दैट मीन्स कि वहां पे जो मेरी रेनफॉल की इंटेंसिटी थी वो किससे ज्यादा थी, इनफिल्ट्रेशन रेट से ज्यादा थी। दैट मीन्स कि मेरी सॉइल वहां की कैसी थी, मान लिया कि सैचुरेटेड थी या ऑलरेडी मॉइस्ट थी, तो उसकी वो ऑलरेडी मॉइस्ट होने की वजह से वहां पे इन्फिल्ट्रेशन कम होगा, इन्फिल्ट्रेशन कम होगा तो मेरा रेनफॉल की इंटेंसिटी अगर इतनी ज्यादा है कि इन्फिल्ट्रेशन की रेट भी अगर मैं खत्म कर दूं तो भी मेरा रेनफॉल बहुत हो रहा है, तो क्या होगा, वो सारा का सारा पानी कहाँ जाएगा, किसी एक स्ट्रीम पे जाएगा या किसी एक जो भी उसका पर्टिकुलर ट्रांसफर होने का स्पेस है वहां पर वो पहुंच जाएगा। तो वो चीज मेरी क्या कहलाती है, सरफेस रन ऑफ कहलाती है। सब सरफेस रन ऑफ क्या कहलाता है कि वो पार्ट रेनफॉल का, वो पार्ट जो पहले तो सॉइल में, सॉइल ने क्या किया, अब्सॉर्ब कर लिया, सॉइल के अब्सॉर्ब होने के बाद वो क्या हुआ, मूव हुआ लेटरली, लेकिन वो किसी वाटर टेबल से नहीं मिला, वो डायरेक्ट कहाँ पे जाके मिल गया, किसी स्ट्रीम में मिला, किसी रिवर में मिला या किसी ओशियंस में मिल गया, तो उसको हम कहेंगे सब सरफेस रन ऑफ,
ठीक है। अब मैं अगर बेस रन ऑफ की बात करूं, ठीक है, तो बेस रन ऑफ क्या होगा कि ये एक तरह का डिले फ्लो है, डिलेड फ्लो है, ठीक है। मैं आपके पास बात कर रही हूँ बेस रन ऑफ की, मेरा क्या हुआ, इन रेनफॉल हुआ, रेनफॉल होते ही जो भी ग्राउंड सरफेस पे वाटर आया वो क्या हुआ, इनफिल्टर हो गया सॉइल में। अब वो सॉइल में इनफिल्टर होके परकुलेट परकुलेशन की प्रोसेस हुई है, वो कहाँ पे मिला, जाके वाटर टेबल पे जाके मिल गया। वाटर टेबल से जो फ्लो हुआ वो जाके कहाँ मिला, स्ट्रीम एंड ओशंस पे। तो इस पूरे प्रोसीजर में क्या लगा, टाइम लगा, टाइम लगा। दैट्स वाई क्या हमने इसको नाम दिया डिलेड रन, इसको हमने क्या नाम दिया, डिलेड रन ऑफ का नाम दिया, क्योंकि जो भी वाटर का मूवमेंट हो रहा है वो बहुत स्लो हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ रन ऑफ होने में, स्ट्रीम तक पहुँचने में भी उसको क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो हमने इसको क्या नाम दे दिया, डिलेड रन ऑफ का नाम दे दिया। अगर मैं टोटल रन ऑफ की बात करूँ तो वो किसके इक्वल होता है, सरफेस रन ऑफ प्लस ग्राउंड वाटर बेस फ्लो, ठीक है। नेक्स्ट, सरफेस रन ऑफ की प्रोसेस क्या होती है, अगर मेरा जैसे अब तक मैं बोल रही हूँ कोई भी रेन है, रेनफॉल हो रहा है और वो कंटिन्यू होया जा रहा है, हो जा रहा है, हो जा रहा है। अब क्या हुआ कि मेरी जो सॉइल थी वो क्या हो गई, वो उस कंटिन्यूअस रेनफॉल की वजह से सैचुरेटेड हो गई, उसमें जो इनफिल्ट्रेशन होना था वो पूरा हो गया। अब जो इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी है वो किसके किससे कम हो गई, जो कि रेनफॉल इंटेंसिटी, जिस इंटेंसिटी से रेनफॉल हो रहा है उससे क्या हो गई, कम हो गई। तो अब क्या होगा कि जो सरफेस पे जो भी मैंने कहा पुडल्स हैं या डिचेज हैं या डिप्रेशन, यानी जो भी खड्डे वड्डे हैं वो सारे भी भर गए। अब क्या, अब तो सब पूरा लेवल पे आ गया, एक तरह से ये कह लो कि सॉइल क्या हो गई, पूरी सबमर्ज हो गई। सॉइल में जो भी खड्डे थे वो भी सबमर्ज हो गए, जो डिचेस थे वो भी सबमर्ज हो गए, ठीक है। तो सब जगह पानी भर गया है। अब जब सब जगह पानी भर गया तो जो भी वाटर आएगा वो सारा डायरेक्ट कहाँ होगा, फ्लो होने लग जाएगा। तो जो वो फ्लो है उसको हमने क्या नाम दिया, सरफेस रन ऑफ नाम दिया। यही हम कह रहे हैं कि अगर एक बार मेरे जितने भी पोर्स हैं, जितने भी वॉइड्स हैं, जितने भी क्रैक्स हैं या जितने भी डिचेस हैं किसी एक सरफेस पर, पुडल्स हैं या डिप्रेशन है किसी भी तरह का, वो क्या हुआ, उस रेनफॉल से क्या हो गया, फिल हो गया, ठीक है। उस रेनफॉल, जो भी रेनफॉल हो रहा था उससे वो सारे के सारे फिल्ड हो गए वाटर से। तो अब कुछ भी नहीं बचा, ना पोर्स बचे, ना वॉइड्स बचा, ना क्रैक्स बचे, ना डिप्रेशन बचा, ना डिचेस बचे, ना पुडल्स बचे, कुछ नहीं बचा। तो जो वाटर है वो क्या होगा, अब रन होगा, यानी फ्लो होगा उस वाटर का आगे, जहां पर भी उसका जो भी, जहां तक भी उसको पहुंचना है, जो भी स्ट्रीम तक या रिवर तक या ओशन तक, जहां पर भी उसका पहुंचना है वो वहां तक क्या होगा, रन ऑफ होता जाएगा उसमें आगे, ठीक है। इस प्रोसेस को, जो रन ऑफ की प्रोसेस है, वो तब तक रहती है जब तक कि मेरी जो रेनफॉल इंटेंसिटी है वो एक्चुअल इनफिल्ट्रेशन रेट से ज्यादा हो। अगर मेरा स्लो अगर जो मेरी सॉइल है वो क्या है, उसकी इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी कम हो है जितना कि मेरा रेनफॉल हो रहा है, तो मेरा रन ऑफ कंटिन्यूस होता ही जाएगा। लेकिन ये उस टाइम पे स्टॉप हो जाएगा जबकि मेरा क्या हो, एक्चुअल रेट ऑफ रन ऑफ इनफिल्ट्रेशन क्या है, रेनफॉल से कम है, रेट ऑफ रेनफॉल से ज्यादा है, सॉरी, रेट ऑफ रेनफॉल से ज्यादा है, तो मेरा क्या हो जाएगा, ये उसी वक्त स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट इज फैक्टर अफेक्टिंग रन ऑफ क्या होते हैं, दो टाइप के फैक्टर अफेक्टिंग होते हैं, फर्स्ट इज क्लाइमेट फैक्टर एंड सेकेंड इज फिजियोग्राफिकल फैक्टर्स। इनको हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। आई होप यू डोंट हैव एनी क्वेरी इन दिस सेशन, बट इफ यू हैव देन प्लीज मेंशन इन अ कमेंट बॉक्स, आई विल रिजॉल्व इट। दिस सेशन इज पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 जयति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। थैंक यू।